दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं खासकर, और जो आने वाले शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों के कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि एक वीडियो में हमें ये बताया जाए कि आखिर हम अपना गुणांक कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए ये वीडियो रहेगा। साथ ही साथ कई लोग गुणांक में एकेडमिक हटाव को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे नंबर तो अच्छे हैं सुपर टेट में, हमारे टेट में भी नंबर अच्छे हैं, हालांकि टेट का नंबर जुड़ता नहीं है, बट सुपर टेट में नंबर अच्छे हैं, बीएड बीटीसी में अच्छे हैं, कक्षा 10 कक्षा 12 के नंबर अच्छे नहीं है, हमारा चयन नहीं हुआ। हजारों बच्चों के साथ ऐसा इस भर्ती में भी हुआ है, आगे आपके साथ भी हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे कैसे आपको अपना गुणांक निकालना है, सबसे पहले ये समझना है। लेकिन गलती आपकी क्या है, जब आपने गलती यहाँ पे आपकी नहीं है, क्योंकि जब आपने हाई स्कूल पास किया था तब आपको ये पता नहीं था कि ये नंबर आपके कभी आगे काम आएंगे, या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसा आप कुछ करेंगे, बीएड बीटीसी जैसा आप कुछ करेंगे, आपको ये अनुमान नहीं था। तो जिन लोगों ने 2009-10 के आसपास किया होगा या उससे पहले हाई स्कूल किया होगा, उस समय हाई स्कूल पास करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। तो 60% जिसके आ जाते थे उसकी तो भाई बल्ले बल्ले थी कि 60% आ गए, बहुत हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गुणांक निकालना कैसे है। मतलब आपको हाई स्कूल के नंबर जोड़ने पड़ेंगे, इंटर के, ग्रेजुएशन, बीएड बीटीसी जो भी आपने किया है, साथ ही साथ सुपर टेट। सबसे पहले आपका जो भी हाई स्कूल में नंबर है, जैसे आपका 60% रहा है तो 6 गुणांक, मान लिया अगर आपका 59% रहा है तो ये 5.9 गुणांक होगा यहां पे। इसी तरीके से मान लिया आपका 12th में 50% रहा है तो यहां पे 5 गुणांक हो जाएगा, ठीक है, या 70% रहा है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन में अगर आपका 70% रहा है तो 7 हो जाएगा, अगर 65% है तो 6.5 हो जाएगा, 66 है तो 6.6 हो जाएगा, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, जितना आपका नंबर है उतना ही गुणांक जुड़ेगा। तो आपको अपना गुणांक कैसे चेक करना है, कक्षा 10 में आपका जितना भी प्रतिशत था उसका आप निकालिएगा गुणांक, जैसे 60% है तो 6 गुणांक कैसे निकालना, आप समझ गए ना। इसी प्रकार से आपको ये सारे निकालने होंगे, यहां तक तो एक जैसा चलता रहेगा। अब मान लिया एक बच्चा ऐसा है जिसने कक्षा 10 जो है 2009 या 2010 में पास किया था और उसके नंबर है 60%, ये बहुत ज्यादा हम लेकर के चल रहे हैं, जबकि हाई स्कूल 2009-10 में जो पास किए होंगे किसी के 53 होंगे, किसी के 54 होंगे, किसी के 55 होंगे, तो किसी के 57 होंगे, मतलब 60% अपने आप में एक बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पे आप 6 अपना जोड़िएगा, जिसका कम है वो उसी हिसाब से जोड़ेगा। अब बात करते हैं सुपर टेट में। मान लिया कोई अभ्यर्थी सुपर टेट में जब भी परीक्षा होगी 105 नंबर लाया है, 150 क्वेश्चन में 105 नंबर लाया, कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आप 105 नंबर लाए हैं, ठीक है, इसका 60% जोड़ा जाएगा, कितना, 60%, तो 105 गुणे 60 बटे 150, क्योंकि 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 42। तो जो आप यहां पे 42 लिखा देख रहे हैं वो यही वाला लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से जब हम गुणांक जोड़ रहे हैं तो 6, 6, 12, 6, 18 और 18, 6, 24, 24 और 42 कितना हो रहा है, 66 हो रहा है यहां पे भी। अब हम बात करते हैं कोई ऐसा बच्चा जिसने 2015-16 में हाई स्कूल इंटर किया है, मतलब 15 में अगर हाई स्कूल किया होगा तो 17 में इंटर किया होगा, उसके नंबर अगर आप देखेंगे, चाहे आपकी फैमिली में आपका छोटा बड़ा भाई हो, उसके अगर आप नंबर देखेंगे तो अच्छे खासे नंबर मिलने लगे हैं अब वर्तमान समय में। मतलब नॉर्मल बात है कि बच्चे के 70% तो आराम से आ जाते हैं, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया हर सब्जेक्ट में। तो हम मान लेते हैं कि वो बच्चा आपका छोटा भाई बहन भी हो सकता है, हालांकि ये बात कुछ लोगों को खलेगी, अच्छा नहीं लगेगा। यहां पे जिसने 2015-16 में किया है उसका 70% है मान लेते हैं हाई स्कूल, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका 90 या 92% होगा, 80 या 82% होगा, है ना, 70 हमने सबसे कम लिया है, इससे कम नहीं होगा, इससे कम होगा वो शिक्षक भर्ती के बारे में नहीं सोचेगा, वो कुछ और ही सोचेगा, या फिर उसका बीएड या बीटीसी में एडमिशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो मान लिया अगर 70% किसी बच्चे के हैं तो उसका 7 गुणांक यहाँ पे, इंटर में भी 70 है, 7 गुणांक, ये एवरेज लेकर के चल रहे हैं। आप लोग देखिएगा आपने अपना गुणांक चेक करके कि आप कहां पे फाइट कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में मान लिया हम यहां पे बराबर ही मान रहे हैं, सिर्फ हाई स्कूल इंटर में अगर हम घटा बढ़ा दें एक एक पॉइंट, सिर्फ प्रतिशत अगर हम घटा बढ़ा दें, ग्रेजुएशन में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। बीएड बीटीसी में हमने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा चेंजेस किया, क्योंकि अब जो है मार्किंग थोड़ा सा पहले से अच्छी होने लगी है,
प्रैक्टिकल वगैरह में, तो यहाँ पे 7 हमने रखा है। जब हम इसको जोड़ते हैं, एक कैंडिडेट जो सुपर टेट में यहाँ पे 105 नंबर पाया था, वही मतलब एक दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे उसके नंबर बराबर है, सुपर टेट में उसने बराबर मेहनत करी है, लेकिन अब देखिए इसका गुणांक कितना बन रहा है, इसका गुणांक बन रहा है 66 और इसका गुणांक क्या बन रहा है 69। ठीक है, दोनों ही लोग सुपर टेट में बराबर नंबर लाए हैं, इनका सिलेक्शन होगा, मिस्टर वाई है ये या कुछ भी नाम रख लीजिए, इनका सिलेक्शन होगा, इनका नहीं होगा। अब ये बताइए, जिसने हाई स्कूल आज से 10-5 साल पहले किया है, उसमें उस कैंडिडेट की क्या गलती, उसको तो पता भी नहीं था कि हाई स्कूल इंटर में ऐसा कुछ आगे काम आएगा, अगर पता भी था तो उसमें क्या गलती है, तब प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते थे। अब क्या है, 70 नंबर का पेपर है, 30 का प्रैक्टिकल है, 30 में 25 प्लस ही मिलते हैं लगभग सभी को। ठीक है, आप अटेंडेंस अगर आपकी नहीं होगी तो भले आपको 20-21 मिले, बट 25 प्लस मिलते हैं, तो यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ पे भेदभाव को क्यों, 66 नंबर वाला जो है, 66 नंबर वाला और एक 69 नंबर वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका गुणांक कम हो गया, किस वजह से, हाई स्कूल इंटर की वजह से। यहाँ पे नंबर आपके सेम थे, ग्रेजुएशन भी आपके नंबर सेम थे, बट यहाँ पे किस वजह से आपका चयन नहीं हुआ, क्योंकि आपके हाई स्कूल इंटर में नंबर कम थे। अरे जब आप बीएड बीटीसी के बाद ऑलरेडी टेट क्वालिफाई करा रहे हैं, टेट किस लिए रखा जा रहा है, ताकि आपकी योग्यता का चयन हो कि आप उस योग्य है नहीं, सुपर टेट में बैठने के काबिल है या नहीं है। ठीक है, तो इस नंबर जोड़ने की क्या वजह है, हमारा कहने का मतलब यही है कि एकेडमिक के नंबर अगर जुड़ते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग अच्छा स्कोर कर भी पीछे रह जाएंगे, या फिर भाई आप बहुत ज्यादा अगर हैं तो भाई सुपर टेट में जो 105 लाया है आप 125 लाइए, तब इनके बराबर हो पाएंगे, वरना आप पीछे रह जाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम उन सभी यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करते हैं जो भी शिक्षक वृत्ति से जुड़े हुए हैं, अगर उनको ये बात सही लगती है तो इस पर वीडियो बनाएं और अपनी बात हम ट्विटर के माध्यम से या जो भी सोशल मीडिया है या फिर लेटर लिख करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। ऐसा कई सारे अभ्यर्थियों के लगातार हमें कमेंट आए, उसको देख करके ये वीडियो बनाया गया है। हमें पता है कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी, जिनका अभी हाल ही में डीएलएड हुआ है या हाईस्कूल इंटर हुआ है, उनको थोड़ा सा ये कड़वी चीज लगेगी, है ना। फिलहाल हम सबके हिसाब से बता रहे हैं कि एवरेज लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे 66 गुणांक बन रहा है, यहाँ पे 69 बन रहा है। 69 किसका बन रहा है, जिसका हाई स्कूल इंटर अभी हाल ही में हुआ है, 14-15 में हुआ है, अच्छी मार्किंग होने लगी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपना गुणांक निकालें। अगर हम इस बार की बात करें 69,000 में लगभग जिनका गुणांक 66 के आसपास था, एक एक पॉइंट से सिलेक्शन रुकता है, 66.73 हमें ये जानकारी मिली हुई है, इसकी कोई अभी प्रामाणिकता नहीं है, ये एक अनुमान है। 66 के पास इनका था, उनका चयन हो गया है, ठीक है, ओबीसी में। अब मान लीजिए 66 तक हो गया है, अब यहाँ पे आप 69 आपका है गुणांक, तब तो आप हो जाएगा, बट कभी ऐसी कोई कंडीशन पड़ गई कि आप उससे कम पा रहे नंबर, तब क्या करेंगे, आप बेकार हो जाएंगे, या तो आप सुपर टेट में ज्यादा मेहनत करिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो गलत है, है ना। तो अगर आप इस बात से एग्री हैं कि एकेडमिक को हटाया जाए, इसमें जो भी मेरिट बनाई जाए, जैसे ग्रेजुएशन भी हटा दिया जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जब आप यहाँ पे टेट रख रहे हैं, क्योंकि टेट पास बंदा ही यहाँ पे बैठ सकता है सुपर टेट में, जब आप टेट रख रहे हैं तो फिर इनका मतलब क्या है जोड़ने का, इनको हटाइए, बीएड बीटीसी के नंबर जोड़िए, टेट के नंबर जोड़िए, सुपर टेट के नंबर जोड़िए, तब पता चलेगा ना। अब मान लिया कोई पहले 10 साल पहले हाई स्कूल करके बैठा है, वो तो बेकार हो जाएगा। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना गुणांक बताएं कैलकुलेट करके। अगर आपने संविधान में पढ़ा होगा, एक आर्टिकल है आर्टिकल 14, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में ये कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से, कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, समान अधिकार मिलना चाहिए सभी को। यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो भेदभाव हो रहा है, ठीक है। एक अच्छा जिसका नंबर है वो रह जाएगा यहाँ पे, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ 69,000 में हुआ है। अगर आप इस बात से एग्री हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और उन सभी यूट्यूबर से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर इस बात से सहमत हैं तो वीडियो बनाएं, और एक इस बारे में हम लोग आंदोलन चलाते हैं, एकेडमिक हटाओ हैशटैग चलाते हैं, शायद हमारी बात ऊपर तक पहुंचे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।